हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आरके एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक खास वीडियो लेके आया हूं। बहुत सारे कमेंट मुझे आया था कि आरके भाई, ये स्ट्रेंजर SM6 का हमें फेसबुक लाइव कैसे करना है, उसके बारे में एक वीडियो बनाइए करके। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, ताकि जिन लोग के पास SM6 स्ट्रेंजर का मिक्सचर है, तो इन लोग कैसे फेसबुक लाइव या यूट्यूब लाइव, सेटिंग सेम है, इंस्टाग्राम लाइव कैसे कर सकते हैं, आज मैं ये वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैं फेसबुक आपको लाइव गाना गा के स्क्रीनशॉट करके शेयर करूंगा, ताकि आप लोग को अच्छा खासा समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मुझे मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। तो हमारा सामने अभी है स्ट्रेंजर कंपनी का SM6। यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट बात करना बोलना चाहता हूँ आप सभी को। मुझे ये स्ट्रेंजर के बारे में बहुत दोस्त लोगों ने, आप जैसे भैया लोगों ने मुझे मैसेज किए थे कि ऑनलाइन में इसका डुप्लीकेट आता है। मैं आज तक हर वीडियो में बोला हूँ, हमेशा बोलता रहता हूँ, आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट ले रहे हैं तो बिल्कुल ऑनलाइन में मत खरीद कीजिए। आप 99.9% ट्राई कीजिए दुकान से लेने के लिए। अगर नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन में ऑर्डर कीजिए, लेकिन जिसमें 10 डेज का रिटर्न पॉलिसी रहता है, ये ध्यान दीजिए साहब, ये पॉइंट 10 डेज का, जिसमें जो कंपनी 10 डेज का रिटर्न पॉलिसी कंडीशन से एक्सेप्ट करता है, उसमें ही आप ऑर्डर दीजिए, और वो आपको मिलने के बाद इमीडिएट उसको टेस्ट कीजिए। इमीडिएट जिस दिन मिलेगा इमीडिएट टेस्ट कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो रिटर्न कर देना, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत डुप्लीकेट सामान बेचते रहते हैं लोग। तो आज मैं जो फेसबुक लाइव आपको, आज का जो SM6 का मिक्सचर यूज करके हम फेसबुक लाइव सिंगिंग कैसे करेंगे, वही सेटअप मैं बताऊंगा। तो पहले हमारा पास हो गया SM6 का इको वाला स्ट्रेंजर का ऑडियो मिक्सचर, और हमारा पास डायनामिक माइक है। मैं बेटा का 58A डायनामिक माइक आज यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कंडेंसर माइक नहीं लगता है, इसमें पूरा डायनामिक माइक ही ऑप्शन दिया गया है। और हमें चाहिए 6.32 3.5 mm का केबल, दो केबल चाहिए, ये हमें दो चाहिए, क्योंकि एक में हमको ट्रैक लगाना है इधर मोबाइल या लैपटॉप में, और इसको मिक्सर में लगाना है, और एक इससे आउटपुट लेके मोबाइल पे लगाना है। तो ऐसे वाला ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जिन लोग के पास ऐसे मिक्सर है, कोई भी मिक्सर है ऐसे वाला, आपको ऐसे हमेशा ऐसे वाला दो केबल चाहिए, 6.3 mm टू 3.5 mm, ये हो गया दो केबल। मेरा पास आज दो नहीं है, मेरा पास एक ही केबल है और एक 3.5 mm का टू 3.5 mm है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, ये 6.5 mm का कनेक्टर इसमें लगा देता हूँ, तो मेरा पास ये हो गया, रेडी हो गया। तो दो मेरा पास अभी ये रेडी हो गया, और ये तो आपका मेरा शकल जिनको पता है, ये सभी को पता है, ये मेरा प्यारा सा साउंड स्प्लिटर, और ये OTG केबल, सी टाइप का मेरा OTG केबल, आपका मोबाइल पर जो लगता है ये लीजिए। और हम हेडफोन यूज कर रहे हैं गाना कारोके सुनने के लिए। ये हेडफोन क्या होगा, ये हेडफोन में छोटा पिन आता है, 3.5 mm का पिन आता है। तो मैं क्या किया हूँ, इसमें 6.3 mm का एक कनेक्टर लगा दिया हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा, अभी इसको आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, पहले देखिए, पहले हमारा डायनामिक माइक का केबल मैं ला के माइक वाला में वन में लगा दिया। हाँ, डायनामिक माइक का कनेक्शन में इसमें माइक वन में लगा दिया। अभी क्या करेंगे, फिर हमको कारोकी भी मिक्सर में प्ले करना है ना, तो कारोकी का इनपुट देने के लिए मैं क्या करूँगा, एक 6.32 3.5 mm का जैक माइक के पास लगा देता हूँ, यहाँ पे कारोकी बजेगा, और इसको लैपटॉप या मोबाइल से कहीं पे भी आपको जिसमें कारोकी प्ले करना है, इसमें आपको प्ले करना है। तो मैं लैपटॉप से आज कारोकी प्ले करूँगा, तो मैं लैपटॉप में लगा लिया। तो अभी क्या करना है,
अभी यहाँ से आउटपुट लेना है, लेके मोबाइल को देना है। तो आउटपुट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो स्ट्रेंजर का मिक्सचर है इसमें लेफ्ट राइट का सिर्फ दो आउटपुट दिया है, इधर लेफ्ट में आपको देना है नहीं तो राइट में देना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इसको क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए आउटपुट का सिर्फ दो ऑप्शन दिया है, लेफ्ट राइट। बोले तो ये स्टेरियो आउटपुट है, हम इसको मोनो करके यूज करेंगे क्योंकि एक में हमको भी हेडफोन लगाना है। तो हम लेफ्ट में इसको लगा दिया और इसको आउटपुट लेके ये आउटपुट यहाँ से लेके इसको क्या करेंगे हम मोबाइल से, सॉरी इसको क्या करेंगे, ये जो साउंड स्प्लिटर है ना, साउंड स्प्लिटर का माइक वाला ऑप्शन में लगा दिए हैं और इसको हम मोबाइल पे जो चार्जिंग वाला पॉइंट में लगा देंगे। और अभी मैं हेडफोन लिया हूँ, हेडफोन के साथ ये 6.3 mm का कनेक्टर कनेक्ट किया हूँ, इसको क्या करूँगा यहाँ पे लगा दूँगा ताकि हमारा गाना, अभी मैं लैपटॉप से कारोकी प्ले करूँगा, हेडफोन में गाना सुनूँगा, माइक का कनेक्शन इधर आया, कारोकी का कनेक्शन लैपटॉप से आके इधर लगाया हूँ, इधर मैं हेडफोन लगाया हूँ। और एक बार दिखा देता हूँ, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे माइक लगा दिया, यहाँ पे लैपटॉप से मैं कारोकी प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पे इनपुट, और ये दो लेफ्ट राइट का आउटपुट में एक मैं मोबाइल पे जिसमें लाइव फेसबुक चलाऊंगा उसमें दे रहा हूँ और इसमें एक हेडफोन में मैं गाना सुन रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, यही है सेटिंग इसका। तो मैं अभी और एक ध्यान समझिए, ये हो गया आपका डायनामिक माइक, ये हो गया आपका कारोकी का इनपुट, कारोकी कहीं पे भी लगा सकते हैं किधर भी लगा सकते हैं, और ये हो गया आपका इसमें से आउटपुट लेके साउंड स्प्लिटर के साथ, OTG के साथ जिस मोबाइल पे मैं फेसबुक लाइव गाऊंगा इधर ही लगा दूंगा, और ये हो गया हमारा हेडफोन, तो इसमें ही हम गाना सुनेंगे। तो अभी मैं ऑन कर देता हूँ और फटाफट आपको लाइव रिकॉर्डिंग करके उसका स्क्रीनशॉट, उसका वीडियो सेम आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तू आज मेरी रूह से जो गुजर गई है, सांस मेरी सोच के ये निखर गई है। तू आज मेरी रूह से जो गुजर गई है, सांस मेरी सोच के ये निखर गई है। ये वादियां हमें देख के मुस्कुरा। तो फ्रेंड्स यही था इसका सेटिंग स्ट्रेंजर में, स्ट्रेंजर SM6 में कैसे आप लाइव फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव अथवा इंस्टाग्राम लाइव कर सकते हैं। यही था इसका सेटिंग। हालांकि आपको हॉर वॉल्यूम, हॉर इको इफेक्ट, ये सब आपको सही ढंग से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले हेडफोन लगा के एडजस्ट करके सुनिए, उसके बाद अच्छा आउटपुट मिलेगा तो फिर उसके बाद लाइव जाइए। तो मैं आप लोगों ने जो भी पूछा था हर डाउट आपका क्लियर करने का कोशिश किया हूँ। फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया जो मैं बोल नहीं पाया, मुझे प्लीज मैसेज कीजिए, मैं आपका हर डाउट क्लियर करूंगा। तो मिलेंगे और एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।